हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन डायरी। में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्टी टेस्टी मोमोज़ की रेसिपी। तो मोमोज़ तो सबके फेवरेट होते हैं, तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलिए। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप के करीब पत्ता गोभी लिया है, तो इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहे तो इसको ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे एक कप गाजर, आधा कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, और यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब टमाटो सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं, और इसको जब हमें बनाना हो ना तो तभी तुरंत नमक ऐड करें, वरना नमक पहले से ऐड कर लेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़े से पनीर के भी मोमोज बनाए हैं, तो यहाँ पे थोड़े से पनीर लिए हैं, करीब 150 ग्राम के करीब पनीर है, उसको मैंने हाथ से मैश कर लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च, गाजर और महीन कट किए करके प्याज डाल दी है, आधा चम्मच मैंने चिली सॉस और 1 चम्मच मैंने टोमेटो सॉस इसमें भी ऐड कर दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसमें मैंने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। तो और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारे दोनों मसाले मोमोज के लिए अच्छे से तैयार हो गए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, हमारा पनीर का मोमोज का मसाला बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, और इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, और अब इसको सॉफ्ट सा इसका डो तैयार करेंगे। तो इसका डो बहुत मतलब पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने इसका डो तैयार कर लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, और तब तक हम अपनी शेजवान चटनी बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने 2 टमाटर इस पर गैस पे अच्छे से भून लिया है, और इसको मिक्सी में डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 4 से 5 कलियाँ लहसुन की डाल दी है, और ये सूखी मिर्च मैंने भिगा के रखी थी, लाल मिर्च, वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें अदरक का छल्ला डाल देंगे, जो मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर दी है, और आपका मन हो तो धनिया पत्ती डालिए वरना ना डालिए, मैंने डाल दी है। और इसमें मैंने आधा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच मैंने विनेगर डाल दिया, आपके पास वाइट विनेगर ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच मैंने शक्कर डाली है, और 1 चम्मच नमक डाली है। शक्कर डालने से थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट पे बैलेंस हो जाता है, खट्टे मीठे और स्पाइसी का। तो ये देखिए, मेरा आटा भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो ये देखिए, आटा बिल्कुल सही तैयार हुआ है। तो अब ये देखिए, छोटे छोटे पेड़े इसके बना लेंगे, और हम इसकी छोटी छोटी पूरी साइज़ की बेल लेंगे। तो ये देखिए, तो हम पहले वेज मोमोज अपने इसमें स्टफ़ कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने धीरे धीरे आपको करके बताया है, इस तरह आप फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, और ये मैं पनीर मोमोज भी इसमें स्टफ़ कर लेती हूँ। तो इसी तरह हमने अपने सारे पनीर मोमोज और वेज मोमोज भर लिए हैं। और पहले हम पनीर मोमोज स्टीम में पकाएंगे, तो मैंने स्टीमर पहले से तैयार कर लिया था। तो अब हम इसके ऊपर सारे मोमोज बिछा देंगे, और 10 मिनट के बाद देखिए, हमारे मोमोज बिल्कुल रेडी हैं। तो इसी तरह हम अपने वेज मोमोज भी स्टीम कर लेंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारे मोमोज रेडी हैं।
ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और सेज़वान चटनी भी आपकी बहुत टेस्टी लगेगी अगर आप इस तरह के से बनाएंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी बनी है और ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। तो ये देखने में लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। तो आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को पुश करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।